बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू खान्स किचन। आज मैं बना रही हूँ पोहे के वड़े। आइए देख लेते हैं इसका प्रोसेस और इंग्रेडिएंट्स। पोहे को जुड़वा भी बोलते हैं। एक स्मॉल कप पोहा है, ये 1 मीडियम साइज बॉइल्ड पोटैटो है, ये डीप फ्राई के लिए ऑयल, ये लेमन जूस है हाफ लेमन जूस, ये स्मॉल टी स्पून बेसन है 2, ये चॉप्ड अनियंस, ये चॉप्ड ग्रीन चिल्लीस और चॉप्ड धनिया के पत्ते, ये वाटर है, ये धनिया पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च, जीरा और नमक है, सब हाफ ऑफ टी स्पून ले ली मैं। अब ये पोहे को 2 से 3 पानी से अच्छा वॉश कर लेंगे। देखिए अच्छा वॉश कर ली मैं पोहा, थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छा टेस्टी स्नैक है ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसमें ग्रेटेड पोटैटो ऐड कर ले रही हूँ, जो बॉईल करी थी ग्रेट करके रख ली थी मैं, वो ऐड कर ली। उसके बाद हरी मिर्ची और धनिया पत्ता ऐड कर ले रही हूँ। ऐसे करते हुए पूरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे एक के बाद एक। व्यूअर्स, अच्छा टेस्टी स्नैक है ये, आप लोग भी ट्राई करें। जो प्रोसेस मैं बताया वही प्रोसेस फॉलो करते हुए ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। और मेरी रेसिपी शेयर भी करें। अब पूरे इंग्रेडिएंट्स अच्छा मिक्स कर ले रही हूँ मैं। देखिए ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। थोड़े दूसरे साउंड्स भी आ रहे उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अब इसमें स्मॉल टीस्पून से 2 टीस्पून बेसन ले ली थी वो ऐड कर ले रही हूँ मैं। ये रमज़ान में इफ्तार के लिए अच्छा स्नैक है। ये बेसन डालने से क्रिस्पीनेस आता और स्मूथ होते, इस वजह से मैं बेसन ऐड करी इसमें। ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। देखिए अब मैं इसको साइड में रख लेके मैं ऑयल गरम के लिए रख लेती हूँ। बहुत ही इजी और टेस्टी स्नैक है, कम टाइम पे अच्छा रेडी हो जाएगा। देखिए तेल गरम करने के लिए रख डाली मैं। तेल गरम हुए तक ये पोहे के मैं बड़े बना के स्मॉल टिकिया बना के रख लूँगी। बनाते से टाइम पे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप ऑयल या वाटर हैंड्स पे अप्लाई कर लेके बना सकते हैं। देखिए ऐसे छोटे छोटे टिकिया बना लेना है, पूरे बैटर के टिकिया बना के रख लूँगी मैं जब तक ऑयल हीट हुए तक। देखिए पूरे हो गए, रेडी हो गए। अब मैं इसको, ऑयल भी गर्म हो चुका है, एक एक करके स्लोली ऐड कर लूंगी। अब लाइट कलर चेंज हो गया है ये वड़े में, अब इसको फ्राई कर लूंगी और गोल्डन ब्राउन हुए तक फ्राई कर लूंगी। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, कितने कलरफुल लग रहे हैं। मैं, आप चाहे तो हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड करी हल्दी। अब इसको डिश आउट कर ले रही हूँ मैं।
देखिए कितने टेस्टी लग रहे ये पोहे के वड़े। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।